फ्रेंड्स, मैं हूँ सविता। मेरे चैनल सविताज फूड डायरी में आपका स्वागत है। दिवाली के शुभ अवसर पर ये मिठाई के साथ अपनी खुशियाँ बनाइए। ये मिठाई हर एक को पसंद है। आज हम चमचम की रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए पतीले में 1 लीटर कच्चा दूध लेकर उबालेंगे। अब दूध में 2 चम्मच सिरका डालकर हिलाएंगे। फिर से 2 चम्मच सिरका डालेंगे। जब तक दूध अच्छी तरह से नहीं फटता तब तक सिरका डालेंगे। विनेगर में थोड़ा पानी डालकर ये सिरका तैयार किया है, डायरेक्ट नहीं डालेंगे। अब दूध फट गया है। छन्नी पर कॉटन का कपड़ा रखकर इसे छान लेंगे। और ऊपर से थोड़ा पानी डालेंगे जिससे इसकी खटास कम हो जाएगी। कपड़े में अच्छे से टाइट बांधकर इसे थोड़ा रेस्ट देंगे जिससे इसका पूरा पानी निकल जाएगा। अब इसे परात में लेकर 2 टीस्पून बारीक सूजी डालकर 10 मिनट अच्छे से गूंदेंगे। इसे इस तरह से ही गूंदना चाहिए। अब इसमें 4 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, 4 पिंच बेकिंग पाउडर, 2 पिंच बेकिंग सोडा, 1/4 येलो फूड कलर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके छोटे छोटे से बॉल करके इसे लंबा शेप दीजिए। अब पैन में 1.5 कप शक्कर लेकर 7 से 8 कप पानी डालकर 10 मिनट बॉईल करेंगे। मैंने यहाँ 4 से 5 इलायची डाली है। आप इसमें 2 से 3 केवड़ा एसेंस की बूंदें डालिए। अब एक एक करके सारे चमचम इस चाशनी में डालेंगे और इसे 5 से 7 मिनट ढककर पकाएंगे।
ढक्कन निकालकर चमचम के ऊपर चाशनी डालकर 10 मिनट और पकाएंगे। कितने अच्छे से चाशनी में डबल हो गए हैं हमारे चमचम। इसे हम चाशनी में ऐसे ही ठंडा होने देंगे। बाद में प्लेट में नारियल का बुरादा लेकर उसमें चमचम को अच्छे से कोटिंग करेंगे। तो तैयार है हमारे बंगाली स्वीट चमचम की रेसिपी। मेरे चैनल सविता फूड डायरी को सब्सक्राइब और इस रेसिपी को आप अपने रिश्तेदारों और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।